एक एलिमिनेशन हो चुकी है, पहला राउंड था 3 मिनट का, उसका टॉप प्राइस 50,000 का। आप लोग सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोगों ने पहले राउंड में जमा किए हैं 17,500 रुपए, विच इज नॉट बैड। अक्सर लोग 5,000 और 6,000 राउंड वन में जमा कर पाते हैं, जीत पाते हैं। यही 17,500 रुपए आगे कैरेट फॉरवर्ड होंगे। अब हम बढ़े हैं राउंड टू की तरफ। हमारे साथ कंटेस्टेंट्स थे 10, अब है 9। गौर से सुने, राउंड टू का टॉप प्राइज 75,000 रुपीज, और पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए होगा, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवा 50,000, आठवा 75,000 रुपए। और वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट 50 सेकंड, यानी 10 सेकंड आपके वक्त से छीन ले गए। अमाउंट बढ़ गई, जो अमाउंट मिस हो गई थी 50,000 पहले राउंड में, वो इधर आप लोगों के पास मौका है कि आप उसको जीत सकते हैं। नकीब, ये राउंड आपसे शुरू होगा, आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है। नकीब, इस मुहावरे को कंप्लीट करें। हथेली पर जमाना, क्या जमाना? सरसों। करेक्ट। बिलावल, ताजमहल की तामीर कब मुकम्मल हुई? 1553। करेक्ट। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7th of April। करेक्ट। एस्टोनिया कौन सी रियासत है? बाल्टिक स्टेट। करेक्ट। युगराज बैंक। इंकलाब फ्रांस कब शुरू हुआ? 1789। करेक्ट। जीशान सोमालिया का पुराना नाम क्या है? पास। बेनेडिक्ट। राजा ऑटोमोबाइल किसकी इजाद है? कार्ल बेंज। करेक्ट। रहमान, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम कब लड़ी गई? 1540। करेक्ट। अनुषा, लोम्बार्ड स्ट्रीट कहाँ वाके है? सैन फ्रांसिस्को। करेक्ट। नकीब, ऑटोमन एम्पायर में माइनॉरिटीज के लिए कौन सा सिस्टम था? पास। द मिलिट सिस्टम। बिलावल, तजाइल आरफीना का मतलब क्या है? जानबूझ का अंजार बना। करेक्ट। तैमूर फील्ड थ्योरी किस इल्म की शाख है? फिजिक्स। करेक्ट। मोइस बैंक। गोभी में पाई जाने वाली बीमारी का नाम क्या है? पास। क्लब रूट। युगराज, 2022 में G20 की समिट कौन से मुल्क में हुई? इंडोनेशिया। करेक्ट। जीशान मार्टिन गप्टिल का ताल्लुक किस मुल्क से है? न्यूजीलैंड। करेक्ट। राजा एथेंस किस मुल्क का कैपिटल है? ग्रीस। करेक्ट। जमीन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने फीसद है? पास। 78%। अनुषा बैंक, करंट पाकिस्तानी करेंसी में सबसे छोटा नोट कितने अमाउंट का होता है? 10 रुपए। बिल्कुल सही जवाब। और आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म, और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएंगे जो आपके हिसाब से बेहतर नहीं खेला और आगे राउंड 3 में नहीं जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। दिशान और नकीब के पास करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। तैमूर, योगराज, रहमान और मुइस के बैंक करने की वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। राउंड वन अच्छा गया, राउंड टू में कुछ कमजोरियां थी, कुछ कंटेस्टेंट्स ने सही जवाब नहीं दिए। चले आपसे सुनते हैं वो क्या नाम है जो आगे नहीं बढ़ेगा। अनुषा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। माय वोट इज फॉर बिलावल। मुझे लग रहा है ये थोड़ी कंफ्यूज्ड खेल रहे हैं। बिलावल ने वैसे दोनों सवाल के जवाब ठीक दिए, मगर फिर भी आपको लग रहा है कंफ्यूज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कंफ्यूज लग रही है क्योंकि टाइम ये ले रहे हैं, मैं तो टाइम नहीं ले रहा। मैंने तो कोई टाइम नहीं लिया, पहले राउंड में इन्होंने टाइम लिया था। पहला राउंड स्टार्ट ही मुझसे हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने तो कोई टाइम नहीं लिया था। उसमें भी आपने टाइम लगाया था सवाल देने में। मैंने टाइम नहीं लिया था जी। नकीब, आपका वोट जीशान की तरफ है, क्यों है? मैम वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। टाइम मैंने कहाँ लगाया, मैंने डायरेक्ट जवाब दिया उन्हें। आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा टाइम ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूज, मैं तो कोई टाइम नहीं। राजा, मेरा वोट मोइस के खिलाफ है। आपका वोट मोइस के खिलाफ क्यों है? इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया है और पास भी कहा था। जीशान से पूछते हैं। जीशान, मेरा वोट मोइस के खिलाफ। आपका भी मोइस के खिलाफ जी। है 2 वोट मोइस के खिलाफ। योगराज, मैं मोइस के खिलाफ है। 3 वोट्स मोइस के खिलाफ। मोइस सर, रहमान। रहमान, लेकिन 3 लोगों ने आपको वोट आउट किया, डू यू थिंक इनको करना चाहिए था? नहीं मैम, उनका राजा का ने तो मुझे पिछली बार का बदला लिया है, बाकी इनका मुझे नहीं पता। तैमूर जी, रहमान को। दोनों रहमान। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 3 लोग एक साथ उन्होंने एक बंदे को दिया, 2 लोग एक साथ उन्होंने दूसरे को दिया। तैमूर, आपका वोट किसके खिलाफ है? रहमान मैम। रहमान के खिलाफ। ऑल राइट जी, किससे मैंने नहीं पूछा, रहमान से नहीं पूछा। रहमान, मेरा मुइस के खिलाफ। ओह
मैंने तो पहला आंसर किया जो सही था, एक सही दिया एक पास किया, एक पास। उस बेसिस पे ये आपको निकालना है। नकीब आपसे कितने सवाल किए गए? मैम दो। और दोनों के आपने जवाब दिए? नो मैम, एक सही जवाब दिए एक पास किए। एक सही एक पास, नकीब आप बच गए। सैडली मेजॉरिटी वोट्स मोइज आपके खिलाफ है, जबकि नकीब ने भी वही किया जो आपने किया, यानी एक सही जवाब और एक पास। बट इस खेल में होता वही है जो मेजॉरिटी कहती है, यानी मेजॉरिटी चाहती है कि आप राउंड थ्री की तरफ नहीं बढ़े, विच मीन्स कि ये आपका दूसरा और आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बोल चैनल, बोल इंटरटेनमेंट चैनल पर आने के लिए मैंने ऑडिशंस दिए, सिलेक्शन हुई, काफ़ी एफर्ट किए, काफ़ी स्ट्रगल की, फिर जाके मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का चांस मिला। कौन आखिरी खिलाड़ी कौन पे? फर्स्ट राउंड जब प्ले हुआ हमने खेला, तो राजा की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा डल लगी थी, तो मैंने उसको नाम आगे वोट लिस्ट में सेंड किया, तो उस वजह से उसको शायद बुरा लगा, हर्ट वर्ट हुआ, तो उसने सेकेंड राउंड में पॉलिटिक्स की और दैन मुझे किक करवा दिया। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।